हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो सेकंड यूनिट है कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। वैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके अंदर ये यूनिट ज़रूर है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था हम सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म जो होता है समावयवता, इसे कहते हैं ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या हो, समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उसके रासायनिक और भौतिक गुण क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। और यह परिघटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। तो हम लोग इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, सेम। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, सेम होगा, अणु भार समान होगा क्योंकि अणुसूत्र समान है, ठीक है। उसके अलावा रासायनिक और भौतिक गुण अलग होते हैं, तो हम क्या कह देंगे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन किसका, आइसोमेरिज्म का। आगे बात समझ में, कोई भी दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा वो जिसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं देखना कि क्या ये दोनों आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं क्या, क्या इनमें ये रिलेशन है क्या, कोई आइसोमर्स है क्या ये, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है मॉलिकुलर फार्मूला। और मॉलिकुलर फार्मूला चेक करने का क्या तरीका है, कोई भी कंपाउंड आपके सामने लिखा हो उसमें जितने भी एटम हैं उनको उनके सबस्क्रिप्ट पे नंबर के साथ में हम लिख देते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने मैंने ये लिख दिया सिंपल सा इथेन, अगर इसका मॉलिकुलर फार्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, C2H6, ठीक है। इस तरीके से जितने कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके अंदर जितने एटम होते हैं उनके नीचे सबस्क्रिप्ट पर, नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट पर उसका नंबर लिख देते हैं, वही क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपकी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई। आगे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यही हमारी यूनिट में स्टार्टिंग है, लेकिन बुक में आपको अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, जो कि हमें पता होना चाहिए। एक रिवीजन भी मान लो आज की क्लास कि हमने जो अपना पढ़ा है लास्ट ईयर्स में 11th 12th के अंदर, तो उसमें आपका आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा था, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने हो सकता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पढ़ा होगा, लेकिन अब आप लोगों का थोड़ा सा डिटेल में हम लोग फिर से BSc में पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है, हमने यहाँ पे याद करो हमने क्या कहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम क्या कहते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र या अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहा मैंने, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो। संरचनात्मक सूत्र से क्या मतलब होता है, जो ये संरचनात्मक सूत्र मैंने लिखा है इसका क्या मतलब होता है, परमाणुओं के बंधन का क्रम, ठीक है। क्या कहा मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला हम किसको कहते हैं, जो भी कोई मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर एटम्स के बॉन्डिंग का जो सीक्वेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप लोग इंग्लिश में भी चाहे लिख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब क्या है, जो भी कोई एटम्स का सीक्वेंस है वो डिफरेंट होगा। अगर वो डिफरेंट है तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डाल देंगे। ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर आगे डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप्स के अंदर, तो वो टाइप्स अब हम देख लेते हैं। उन टाइप्स, सिक्स टाइप्स हैं, सिक्स टाइप्स के हम केवल एग्जाम्पल्स देखेंगे क्योंकि थ्योरीज में कुछ है नहीं है, केवल आपको एग्जाम्पल से ही वो समझ में आ जाएगा, ओके। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट है आपका चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, दूसरा है आपका पोजिशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता,
थर्ड है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। फोर्थ है आपका मेटामेरिज्म, मध्यावयवता। और लास्ट है आपका टॉटोमेरिज्म। ठीक है, फाइव मैंने आपको सिक्स टाइप कहे थे। सिक्स टाइप क्यों कहे थे, एक टाइप और है वैसे तो, उसको हम लोग यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर उसको, लेकिन चाहे तो हम उसको अलग से भी पढ़ सकते हैं। सिक्स जो टाइप है आपका वो है वलय संरचना, सॉरी वलय श्रृंखला, वलय श्रृंखला, रिंग चेन। ठीक है, ये हो गए आपके सिक्स टाइप। आप लोगों के कॉपी में जगह होगी, मेरे यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, इधर लिख दिया। आप लोग उसको चाहें तो आगे बढ़ाते हुए रिंग चेन आइसोमेरिज्म में उसको लिख देना। ठीक है, अब देखिए हम चेन आइसोमेरिज्म के अंदर अगर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आप लोग क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि आपके सामने इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, चेन आइसोमर्स हैं ये, कैसे इन दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। आप लोग निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, C4H10 आएगा। ठीक है, C4H10 मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स डिफरेंट है, परमाणुओं के बंधन का क्रम क्या है अलग है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सीधे सीधे चेन है, जबकि यहाँ पे इस तरीके से एक ब्रांचिंग है। जब इसका IUPAC नाम आप लिखेंगे तो इसका तो आता है N-butane और इसका क्या आता है 2-methyl propane। तो जो पेरेंट नेम आता है ना वो डिफरेंट आता है, यहाँ पे प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, तो ये दोनों डिफरेंट आते हैं जब भी चेन आइसोमेरिज्म को शो करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर पोजीशन चेंज होती है, किस किस की पोजीशन चेंज होती है, हो सकता है वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो। सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं हिंदी में प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी समूह की पोजीशन चेंज हो, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। ठीक है, क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हो, क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज हो। ठीक है, उसके अलावा तीसरा किसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड की, बहुबंध की, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, हिंदी में हम क्या कह देंगे, बहुबंध, इसकी स्थिति चेंज हो। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आ सकते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ भी हो सकता है। ये जो मैंने तीन आपके सामने लिखे हैं, तीनों के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जिसके अंदर कोई प्रतिस्थापी समूह है एक्स, कोई भी हेलोजन हो सकता है, या फिर अगर दो क्रियात्मक समूह है तो एक तो मेन हो जाएगा, दूसरा जो बचेगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई अगर मान लो हेलोजन है तो उसकी स्थिति यहाँ पे तो क्या है, फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है, 1, 2, 3 फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे किस पे लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि अगर प्रतिस्थापी समूह की स्थिति चेंज हो। इसके अलावा हमने कहा था कि फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, मान लो मैं यहाँ पे OH लगा देती हूँ तो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। फंक्शन ग्रुप क्या है, यहाँ पे OH है जिसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है जबकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड, आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे तो सेकंड नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड जबकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर स्थिति चेंज होती है किस किस की, या तो प्रतिस्थापी समूह हो, या क्रियात्मक समूह हो, या फिर बहुबंध हो, इन तीनों में से अगर किसी की भी पोजीशन चेंज होती है तो हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड है आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्रियात्मक समूह हो, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है ईथर और एल्कोहल का, ईथर और एल्कोहल का, ये दोनों का अगर आप लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे तो सेम आएगा। देख सकते हैं आप लोग कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, उसके अलावा एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स है वो क्या है, डिफरेंट है। आप लोग देख सकते हैं कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया, चेंज होते ही स्ट्रक्चर फॉर्म आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ गया,
और उसमें भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आ गया। फंक्शनल ग्रुप आईसी मैरिज में शो कर रहा है क्योंकि इसमें तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर, जबकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि मान सकते हो आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन भी होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में शो करते हैं, आइसोमेरेज में शो करते हैं। चाहे तो आप लोग एग्जांपल देख सकते हो, CH3CHO, CH2CHO, क्योंकि कम से कम कीटोन के लिए तो तीन कार्बन तो चाहिए ही सही हमको। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। आप लोग बच्चों फर्स्ट जब बच्चे ट्वेल्थ करके आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होता कि अल्कोहल को कैसे लिखें या हम कीटोन को, कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। तो एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अल्कोहल मतलब जो ईथर होता है, ईथर को कैसे लिखते हैं, ROR। जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो इसको नोट कर सकते हैं, अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर CO ग्रुप होता है। ठीक है, CO ग्रुप किस किस के अंदर होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। एल्डिहाइड को तो हम लिख देते हैं RCHO और कीटोन को कैसे लिखते हैं, RCOR। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड किसको कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप क्या है, CO। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे जब जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में कुछ नहीं है, सिंपल सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी द्विसंयोजी, द्विसंयोजी इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, बायवेलेंट। बायवेलेंट या तो एटम हो या फिर ग्रुप हो, उसके दोनों ओर का जो एनवायरमेंट होता है, एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि द्विसंयोजी परमाणु कैसे, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके अंदर आता है, ईथर के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों आर आर डैश जो होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है ना, द्विसंयोजी समूह, जैसे कि इसमें दो परमाणु है ना, समूह हो गया ना, एटम मतलब एक ही परमाणु, समूह मतलब एक से ज्यादा, तो CO हो सकता है, COO हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से एस्टर का हो गया, ये कार्बन कंपाउंड का हो गया। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि CH3O, CH2, CH2, CH3। यहाँ पे क्या है, CH3, CH2, O, CH2, CH3। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया, जिसके अंदर ऑक्सीजन के एक तरफ तो मिथाइल है जबकि इस तरफ प्रोपाइल है। इसमें देखें तो इस तरफ इथाइल है और इस तरफ भी इथाइल है। इन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे तो दोनों का सेम आएगा। मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना आएगा इसका, देखिए कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ऑक्सीजन, तो दोनों का आप लोग देख सकते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम आएगा एग्जैक्टली, लेकिन इनका जो सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है। और वो भी क्या, मेटामेरिज्म, क्योंकि ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में सेम है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ का एनवायरमेंट चेंज है। ठीक है ना, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, मेटामेरिज्म की। नेक्स्ट है आपका टॉटोमेरिज्म, चलावयवकता। देखिए इसमें क्या है, CH2CO CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड OH CH3। क्या होता है इसके अंदर, कोई भी एक एटम, और वो एटम मैक्सिमम टाइम हाइड्रोजन ही होता है, कोई भी एक एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों अपनी जगह से चेंज होते हैं या डिलोकलाइज होते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए, तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके साथ में ये हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है टॉटोमेरिज्म के अंदर, एक एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं। आप लोगों को ध्यान हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे, अगर इसी को थोड़ा बहुत भी ध्यान है, अनुनाद के अंदर क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से चेंज होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, विकेंद्रीकृत होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर हम एरो लगाते हैं, ये वाला, ये एरो यहाँ पे नहीं लगाना है, ये एरो यहाँ पे यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम इस तरीके से लगाते हैं कि ये भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन स्टेबल ये वाला होता है। तो जो इसका एरो का जो अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, ये कौन सी फॉर्म हो गई, कीटो,
और ये क्या हो गया इनॉल। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए लास्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है, एक तो रिंग होगी और एक चेन होगी, वलयर और श्रृंखला। देखिए जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एक है ये, ठीक है। देखिए ये तो है क्या प्रोपीन और ये क्या है साइक्लोप्रोपेन। तो इन दोनों में आप लोग देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, दोनों में बिल्कुल सेम आएंगे। ये तो है चेन और ये है रिंग, तो इन दोनों में क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक तो श्रृंखला है और एक क्या है रिंग है। तो इस तरीके से इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लीजिए ऑप्शन कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है उसके अंदर रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिया है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिया है, तो आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया इन दोनों के अंदर, तो आप इसको अगर मान लीजिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिया है ऑप्शन के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई आप कर रहे हैं, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। चलिए ये आपकी क्लास हो गई आइसोमेरिज्म पूरा मैंने आपको समझा दिया, अब आगे की क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।